ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं साइनअप पैनल और साइनअप पेज विथ लोकल स्टोरेज। इसका मकसद बेटा सिंपल ये है कि हम तकरीबन नंबर ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक साइनअप पेज या एक इस तरह का पेज आपको शो हो रहा होता है जिसके ऊपर हम अपनी कुछ डेटा को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। वो अपना हमें कोई ईमेल और पासवर्ड भी सिलेक्ट करवा रहे होते हैं। जैसे ही अकाउंट के क्रिएशन के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट क्रिएट होके उनके पास डेटा हमारा चला जाता है। फिर जब हम लॉग इन करते हैं तो उसी डेटा से वो लोग कंपेयर करते हैं जब आपने साइन अप के वक्त आपने दिया था। ऐसे ही है ना कि जब ने आपने अकाउंट बनवाया या बनाया तो वो डेटा जो आपने दिया था उसी से कंपेयर करवा के लॉग इन करवा देते। ठीक है जी, तो जावास्क्रिप्ट के डिजाइनर्स के लिए या जावास्क्रिप्ट सॉरी एचटीएमएल के डिजाइनर्स के लिए जो जावास्क्रिप्ट है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या रियल एप्लीकेशन के अंदर जो सिनेरियो फॉलो होता है वो इसी तरह से, तो हम सिर्फ आप ऐसा समझ लें लोकल स्टोरेज को यूज कर रहे हैं क्योंकि रियल वे में इस तरह से यूज नहीं होती। ठीक है, सिर्फ हम समझ रहे हैं कि लोकल स्टोरेज का अगर इस्तेमाल किया जाए एज अ एग्जाम्पल तो हम साइनअप पैनल को जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे डेटा जो भी आएगा इसी वेब ब्राउजर में ही सेव रहेगा, किसी और वेब ब्राउजर में डेटा वो सेव नहीं होगा और आप लॉग इन भी यहीं कर पाएंगे, किसी और वेब ब्राउजर पे नहीं कर पाएंगे। तो समझ लो ऐसा समझ लो एग्जाम्पल है बस। ठीक है जी, कि लोकल स्टोरेज को प्रैक्टिकली बस देखना है। ओके, अब नेम है, ईमेल है, पासवर्ड या आपकी एड्रेस, ये सारी चीजें हमें यूजर से लेनी है और कहाँ सेव करवानी है, लोकल स्टोरेज के अंदर। क्योंकि अभी अगर आप यहां पे आओ लोकल स्टोरेज के अंदर जाके देखो, एप्लीकेशंस के अंदर जाएंगे और यहां पे देखें अभी कोई हमारे पास ना की है ना वैल्यू है, तो इन इनपुट्स का डेटा लेकर मैं अपने एक वेरिएबल्स में रखूंगा और वही वेरिएबल्स आप समझ लो हम लोकल स्टोरेज को पास कर देंगे। ठीक है जी, यहां आते हैं। सबसे पहले तो तकरीबन इनपुट से डेटा लेना है, कब लेना है, जब बटन पे क्लिक हो। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक फंक्शन जिसका नाम रख देते हैं साइन अप, और ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ डिजाइनिंग के हिसाब से, प्रैक्टिकल भी इसका हो चुका है लेकिन उसमें लोकल स्टोरेज नहीं था तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आके सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडीज के थ्रू हम नंबर ऑफ इनपुट से डेटा लेंगे, यानी अगर मेरे पास इनपुट है नेम तो इसकी आईडी नेम ही रखी है हमने, और एज है तो एज ही रखी है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपका जो भी इनपुट है उसकी कोई ना कोई आईडी का नाम यूनिक हमने दिया हुआ है। इसी इनपुट से डेटा लेने के लिए हम आईडीज के थ्रू इससे डेटा लेंगे और वो लोकल स्टोरेज को एज अ पास कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे कहेंगे कि एक नेम के नाम से इनपुट है उसकी क्या करो, उसकी वैल्यू गेट करो। कौन सा क्लियर है बेटा, उसकी वैल्यू गेट करो और मेरा एक वेरिएबल है वो भी नेम का है उसको दे दो। और ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आईडी नेम के नाम से है तो यहाँ पे भी आप नेम पास करेंगे, लेकिन यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का है ना, इसका नाम नेम रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए बी सी जो है वो रख सकते हैं, ए रखें, बी रखें, सी रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ जो आईडी यहां है वो आपकी एज इट इज यहां पास करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है बेटा, इस तरह से आपने बाकी तकरीबन इनपुट से भी डेटा ले लेना। अच्छा, नेम के बाद एज मैं इसलिए सेम रख रहा हूं ताकि आपको कन्फ्लेक्शन ना हो, नेमिंग कन्फ्लेक्शंस। पासवर्ड पास ही रख दे और यहां पे भी आईडी पास ही है कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम उसके बाद है बेटा एज, एज के बाद है ईमेल सॉरी एड्रेस है, एड्रेस के बाद है ईमेल आईडी और पासवर्ड की जगह पे सिर्फ पास है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास है इस तरह से। सही है जी, यानी हमने पांचों इनपुट से डेटा लिया, हमारे पांच जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल है जिनके पास वो डेटा गया है।
अब इन वेरिएबल से डेटा लेकर किसको देना है, लोकल स्टोरेज को देना है। सही है, मैं यहां पे आऊंगा। सबसे पहले लोकल स्टोरेज का नाम लोकल स्टोरेज डॉट, आपको पता है सेट आइटम का फंक्शन यूज करते हैं। इसके अंदर की, अब आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं कि आप इसका नाम नेमन रख दे, भले है ना कि नेमन के पास नेम जाएगा। नेम यानी बेटा आपका ये वाली वैल्यू जो इनपुट से लेके हमने वेरिएबल के अंदर रखी है ना, सही है, वो आपने वैल्यू लेनी है और इस तरह से पास कर लेनी है। मैं सिंपल समझा देता हूँ, थोड़ा अगर मैं पेन टूल की तरफ बढ़ूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। ये बेटा इनपुट है, एक इनपुट का बता देता हूं जिसकी आईडी क्या थी बेटा, आईडी थी इसकी नेम, ऐसे ही था। इस इनपुट से हमने वैल्यू ली और किसको दे दी, जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल के पास, यानी इन नंबर ऑफ इनपुट से वैल्यूज ली हमने और जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल बनाया, वो इसका नाम भी हमने क्या रखा, नेम। और इस इनपुट से जो भी वैल्यू आएगी वो किसके पास आ जाएगी, इस नेम के वेरिएबल के पास। फिर जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, अपनी एक वेब ब्राउजर की स्टोरेज है उसकी, कौन सी स्टोरेज, जिसको वो लोकल स्टोरेज कह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, देखें यहां पे आपने HTML से डेटा लिया, HTML से डेटा लेने के बाद किसको दिया, जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट किसको दे रही है, लोकल स्टोरेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है। तो आप इनपुट से डेटा लेकर दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को, फिर वेरिएबल किसको पास कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज को। लेकिन देखें लोकल स्टोरेज से फिर वापस भी तो डेटा लेना है ना, तो हमें आ रहा है कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीन बंदे हैं जिनको डेटा पास करना है, तो मैं अगर कोई चीज देता हूं उजेर को, उजेर देता है आगे समझ लो हसन को, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, अगर हमारे तीनों के नाम सेम होते तब भी तो डेटा ट्रांसफर हो जाता, फर्क नहीं पड़ता ना। तो बात तो वही है कि आप इसकी आईडी का नाम अगर वेरिएबल के नाम की तरह रख रहे हैं तब भी आपकी मर्जी है, चेंज रखें आपकी मर्जी है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर भी अगर आप नाम नेम ही रख के उसको भी नेम ही दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसका नाम रख दें नेम 1, क्या रख दें, यानी मैं क्या करूंगा, जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के पास वैल्यू है वो किसको पास करूंगा, लोकल स्टोरेज को। और किस की के साथ भेज रहा हूं कि नेम 1 के पास वो आपकी इनपुट की वैल्यू जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, सही है। इस तरह से आपने डेटा भेज देना है, यहाँ आते हैं फिर आपके तकरीबन लोकल स्टोरेज के पास भेजनी है चीजें। नेम के बाद है हमारे पास समझ लें कि एज, इसका नाम एज 1 रख देते हैं ताकि हम इसको टारगेट कर पाए। एड्रेस 1, इसका नाम भी एड्रेस रख देते हैं, और एड्रेस के बाद है ईमेल, तो ईमेल सॉरी ईमेल 1 कर देते हैं। ये की होगी, वैल्यू कहाँ से जाएगी, जो ईमेल के वेरिएबल के पास है। इसी तरह से पास के वेरिएबल के पास जो भी आया है वो पास 1 इज हमारा लोकल स्टोरेज का वेरिएबल बनेगा, पास 1 उसको दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, यानी इनपुट से डेटा लिया जावास्क्रिप्ट के पास, जावास्क्रिप्ट ने किसको दे दिया, इन तकरीबन आपके लोकल स्टोरेज के वेरिएबल्स को। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सही है, यानी इन्हीं कीज से जाके ये डेटा सेव करवा दो, बाद में जब हम लॉग इन करवाएंगे तो इसी से गेट कर लेंगे। सही है बेटा, सही, ओके। तो हमने क्या करना है, जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो हमारा ये वाला कोड चल जाए। सही है, करें प्रैक्टिकली इसको, ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। फंक्शन को कब कॉल करना है, जब इस बटन पे क्लिक हो, तो हमने पहले लॉग इन को किया हुआ था। अब फंक्शन का नाम क्या है बेटा, साइन अप। तो ये वाला पूरा कोड कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो बटन की क्लिक से ही ये सारी चीजें हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएंगी जो यूजर यहां पे दे रहा होगा, ठीक है। अब भी देख ले आपका फंक्शन है बना हुआ है लेकिन हमने कॉल नहीं किया या बटन पे क्लिक नहीं किया, तो अभी भी कोई वैल्यू आपको यहां नजर नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं जैसे ही यहां से आके
इन नंबर ऑफ इनपुट्स में वैल्यू देता हूं, मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल कह देता हूं हसन इज अ नेम है, एज है 20, एड्रेस बता देते हैं हैदराबाद सिंध, यहां पे आके आपने कर दिया कि ईमेल है सपोज हसन @gmail.com, पासवर्ड है 123। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद में जैसे ही साइन अप पे क्लिक करता हूं तो डेटा अब गया है या नहीं, हमने कोई अलर्ट तो करवाया नहीं है ना, कि जब क्लिक हो जाए डेटा सबमिट हो जाए तो हमें कुछ पता चले, लेकिन डेटा गया है नहीं हम चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, एप्लीकेशंस के अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो यहां पे हमारे पास डेटा जो भी आपने नंबर ऑफ इनपुट्स के अंदर दिया वो सारा का सारा डेटा हमारा लोकल स्टोरेज के पास इज अ सेव हो चुका, यानी हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये डेटा अगर आप वेब ब्राउजर बंद भी करें फिर भी सेव ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं लोकल स्टोरेज आपके वेब ब्राउजर्स के अंदर परमानेंटली डेटा सेव कर देती है, जब तक आप उसको मैन्युअली जाके डिलीट नहीं करते या इसका क्लियर वाला फंक्शन लगा के आप ये डेटा डिलीट नहीं करते।